बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के आदेश दिए थे और इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, जिसके बाद हाल ही में फिल्म कूली नंबर वन की टीम ने फैसला किया था कि वो सेट पर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्टर वरुण धवन ने इस बात की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी थी और बताया था कि सेट पर प्लास्टिक की बॉटल हटाकर सभी को स्टील की बॉटलें दी गई हैं। उन्होंने अपने इस ट्वीट में पीएम मोदी को टैग भी किया था। हालांकि इस ट्वीट को काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन टीम के इस फैसले ने अब जाकर पीएम मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने वरुण धवन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए टीम की काफी तारीफ की और कहा कि उन्हें खुशी है कि देश को प्लास्टिक फ्री बनाने में फिल्म की दुनिया भी अपनी योगदान दे रही है। बताते चलें कि उनके इस ट्वीट को देख फिल्म प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने भी लिखा है, उन्हें खुशी है कि फिल्म की टीम पर्यावरण को बचाने और बदलाव लाने के लिए उनके द्वारा शुरू की गई पहल का एक छोटा सा हिस्सा है। खैर, बॉलीवुड सेलेब्स देश के लोगों को कई तरह से इंस्पायर करते ही रहते हैं और जब सेलेब्स कुछ अच्छा काम करते हैं तो ये जाहिर तौर पर उनके फैंस के लिए भी काफी इंस्पिरेशनल होता है। अब बात करें इस फिल्म की तो जैसा कि आप जानते हैं, ये साल 1995 में आई कूली नंबर वन का रीमेक वर्जन है, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। वहीं इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें वरुण धवन के अलावा सारा अली खान और शिखा तलसानिया भी इम्पोर्टेंट रोल में होंगे। हाल ही में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। डेविड धवन के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म अगले साल 1 मई को रिलीज होगी।